गुड मॉर्निंग एवरी वन, होप यू ऑल आर गुड। सो इन लास्ट लेक्चर वी कवर आवर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो इन दिस वीडियो वी कवर आवर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन। लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगोन सर्वल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में बताया था। सबसे पहले इसको एरिस्टोटल जी ने डिवाइड किया था 2 किंगडम्स में, किंगडम प्लांट और एनिमल्स में। देन उसके बाद इन्होंने कार्लस लिनियस जी ने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, सेम किंगडम प्लांट एंड एनिमल्स, बट इनकी काफ़ी सारी एक्सेप्शंस निकल आई थी जिस वजह से आगे ये काफ़ी आगे फर्दर डिवाइड नहीं हुआ और नवे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने नई टर्म्स डिस्कवर करी। थर्ड सिस्टम दिया था हमारा अर्नेस्ट हैकल जी ने, जिसमें उन्होंने किंगडम प्लांट एनिमल के साथ किंगडम प्रोटिस्टा ऐड किया था। फोर्थ सिस्टम दिया था कॉपलैंड जी ने, जिसमें उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा प्लांट एनिमल्स के साथ मोनेरा किंगडम को ऐड किया था। एंड 5 आर एच विटेकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने 1969 में दिया था। इन्होंने 5 किंगडम में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमेलिया को डिस्कवर किया था। 6 किंगडम में जो हमारे कार्ल वूज जी ने दिया था, उन्होंने किंगडम मोनेरा के जो 2 क्लासेस हैं, आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इनको अलग अलग किंगडम में डिवाइड कर दिया, जिससे 6 किंगडम बन चुका था। सो ये था इसका फर्स्ट आंसर। सेकंड हम करते हैं स्टेट टू इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस यूजेस ऑफ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड आर के बैक्टीरिया। मैंने आपको चैप्टर कवर कराने के लिए ही साथ में आपको अंडरलाइन करवाया था इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसलिए आप लेक्चर की वीडियो ज़रूर देखना। तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में फर्स्ट हम ले सकते हैं कि इसमें जो है हमने पढ़ा था कि कर्ड फॉर्मेशन करते हैं, एंटीबायोटिक्स भी हेल्प करते हैं इसमें। पहला यही हो गया इसका यूज़ कि जो मिल्क से हैं कर्ड बनाते हैं। सेकंड, एंटीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं ये। थर्ड, ये एटमोसफेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं। और चौथा हम ये भी ले सकते हैं साथ में, वैसे 2 ही देने हैं लेकिन हम कहने के लिए इसको आप 2-2 ऐड कर सकते हो एक साथ। ये डीकम्पोजर की तरह काम करते हैं, ये ह्यूमस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। आगे आर के बैक्टीरिया का जो फर्स्ट यूज़ था, मैंने आपको बताया था कि मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं सर्वल रूमिनेंट्स के गट में, तो ये मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है। मिथेन गैस प्रोड्यूस होती है डंग में मिथोजन इनके जानवरों के, मिथेनोजेंस में मिथेन गैस प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट यूज़, सेकेंड यूज़ आप यही कर सकते हो कि इनकी जो बायोगैस है वो सीवेज ट्रीटमेंट में काम आती है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वट इज़ द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डाइट। मैंने आपको वहाँ भी अंडरलाइन कराया था कि जो एटम्स की सेल वॉल हैं वो ओवरलैपिंग शेल्स की तरह फिट होती है, जैसे सॉप बॉक्स में होती है। इनकी जो ये सेल वॉल है वो सिलिका की बनी है। जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनकी बहुत सारी सेल वॉल टूट टूट के पीछे गिरती रहती हैं और ये बहुत सारी होती हैं। और ये जो है सॉइल ग्रीटी होती है, पॉलिशिंग में काम होती है, ऑयल में काम होती है, सिरप्स में काम होती है। और जो डाई एटम है वो चीफ प्रोड्यूसर है ओशंस के। अगर आपको बिलीव ना हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करवाया था आपको, मुझे भी यहीं से याद है। ये देखिए, इन डाई एटम द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज इन सॉप बॉक्स। द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडेस्ट्रक्टेबल। दस डाई एटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। दिक्स एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर एफर्ट टू अ डायटमेशियस अर्थ। यहाँ पे ये सारी चीज़ आ जाएगी इसकी सेल वॉल से रिलेटेड। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट व्हाट डू टर्म इन एल्गल ब्लूम एंड राइट टाइड सिग्निफाई। ये भी मैंने आपको उसमें ही कवर कराया था, बट फिर मैं आपको बता देती हूँ। जब बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे वाटर में प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम, यानी कि जब ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास एल्गल ब्लूम वो होता है जो ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नोस्ट्रोक पानी में इकट्ठा हो जाए, दैट इज़ एल्गल ब्लूम। ये एक्वेटिक होती है, ये फिशेस की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि ये बहुत सारे टॉक्सिन रिलीज करती हैं। रेड टाइड में हमने एग्जाम्पल याद किया था, आपको याद होगा गोनियोलेक्स, ये रेड टाइड अक्कर करता है, इसकी पिगमेंट रेड होती है। जब ये चलता है तो ये टॉक्सिन रिलीज करता है लार्ज अमाउंट में, ये टॉक्सिन रिलीज करता है जिससे क्या होता है जो एक पानी में रहने वाले जानवर हैं वो सब मर जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है।
Very often, right, dinoflagellate, example, gonulex, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red. इनकी पिगमेंट रेड होती है और इतना मल्टीप्लाई होकर बढ़ जाते हैं आगे आगे के पीछे जो है रेड सारा छोड़ देते हैं, जिससे लगता है कि समुद्र के अंदर किसी ने लाल रंग की चादर बिछा दी हो. टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स सच एज फिशेस. सो आप लोग समझ गए होंगे. नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. हाउ आर वायरॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेज? होप ये क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने लेक्चर के एंड में आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताई थी विद डायग्राम्स. तो ये क्वेश्चन तो आप खुद ही करना. नेक्स्ट है डिस्क्राइब ब्रीफली द फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ. अब प्रोटोजोआ कौन सी क्लास में है कोई बता सकता है? किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटोजोन उसकी फिफ्थ क्लास है. तो उसके अंदर भी चार आगे डिवाइड हो रखे हैं ये आपस में. फर्स्ट प्रोटोजोआ है अमीबॉइड प्रोटोजोआ, सेकंड सिलिएटेड, थर्ड फ्लैजेलेटेड, फोर्थ इज स्पोरोजोन्स. इनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना, आपको ये एनसीईआरटी में आंसर मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक, कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट दैट आर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक. तो ये मैंने आपको यहाँ पे अंडरलाइन कराया था जहाँ पे इन्होंने प्लांट किंगडम दे रखा है कि जो फ्यू मेंबर होते हैं वो पार्शियली हेटरोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवरस प्लांट और पैरासाइट्स, जिसका एग्जांपल है ब्लेडरवर्ट और फिनस फ्लाई ट्रैप. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं ये, जबकि कसकट्टा जो है एक पैरासाइट है. तो यहाँ से आप ये अंडरलाइन कर सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, व्हाट डू द टर्म फाइकोबियोंट एंड माइकोबियोंट सिग्निफिकाई. फाइकोबियोंट होता है जब लाइकन में जो एल्गी होती है जो प्रिपेयर करती है फूड को, दैट इज़ फाइकोबियोंट. और जो फंगल कंपोनेंट है लाइकन्स का वो माइकोबियोंट होता है जो उसको मिनरल्स और शेल्टर प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ दिस क्लासेस किंगडम फंगी अंडर द फ्लोइंग. उसका आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बताना है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी बताना है चारों क्लासेस का. सो आप उसमें जहाँ एक्सप्लेन है वहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ. जो फाइकोमाइसिटीज है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है पैरासाइट्स की तरह होता है, वो डिकेइंग मैटर पे जैसे कि वुड होती है जो सड़ी गली होती है उनके ऊपर पैदा होती है और उनको ही खाना शुरू कर देती हैं. उनका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है. एस्कोमाइसिटीज में जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोफिटिक होता है, डीकम्पोजर होता है, पैरासाइटिक होता है और कोप्रोफिलिश होता है, यानी कि वो डंग पे ग्रो कर जाते हैं. इनका रिप्रोडक्शन मेथड एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है. बेसिडियोमाइसिटीज, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक, डीकम्पोजर, पैरासाइट और कोर्पोफिलस चार होते हैं, यानी कि सेकेंड और थर्ड में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ है. इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होती है फ्रेगमेंटेशन से और सेक्सुअल भी होती है. ड्यूट्रोमाइसिटीज़ की हमें ज़्यादा नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो इम्परफेक्ट फंगी है. उसकी आगे क्लासेस की स्टडीज़ अभी हो रही हैं तो इतना उसका नहीं पूछते. बट आप 3 नंबर में भी आए क्वेश्चन तो आप ये लिख के आओ तो आपके नंबर पूरे पूरे आ जाएंगे. व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लेनॉइड्स? अब यूग्लेनॉइड्स वाला तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो मतलब कह सकते हैं कि इस चैप्टर का पॉइंट ऐसा है जो आना ही आना होता है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. यूग्लेनॉइड से आप यहाँ कर सकते हो. इसके जो मेन करेक्टर है उसमें आप मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो सबसे पहले ऐड करोगे कि जब इनके पास प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगी तो ये अपना खाना धूप से ले लेंगे, नहीं होगी तो हेटरोट्रॉपिक बन के किसी और को खा लेंगे. हमें तो बस जिंदा रहने से मतलब है. और इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास प्रोटीन रिच लेयर होती है पेलिकल की. सेकेंड इसका ये हो जाएगा. थर्ड आप कर सकते हैं कि इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली, यानी कि एक लॉन्ग और एक शॉर्ट. ठीक है, एग्जाम्पल इसका यूग्लेना. 3 करेक्टर्स आर सफिशेंट, बाकी इसमें से आपको जो अच्छा लगे आप वो भी ऐड कर सकते हो अपने आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरसेस विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो नेम 4 कॉमन वायरल डिजीज. सो स्ट्रक्चर में तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन, जो वायरसेस होते हैं उनके पास प्रोटीन कोट होते हैं, कैप्सोमर्स की बनी होती है. नेचर में उनका यही आ जाएगा जेनेटिक मटेरियल, उनके पास आरएनए होता है प्लांट्स के लिए और डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उनके पास एनिमल्स के लिए. ठीक है, और 4 कॉमन वायरल डिसीज आप लोग ऐड कर सकते हो. एड्स हो गए, मम्प्स हो गए, स्मॉल पॉक्स हो गए, इन्फ्लुएंजा, ये 4 आप इसमें लिख सकते हो. लास्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज अ डिस्कसिंग इन योर क्लास ऑन टॉपिक आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग.
ये आप नीचे स्ट्रक्चर देख के कन्फ्यूज मत हो जाना, ये आपका थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है, मैं आपको ये भी करा दूंगी बट एट द एंड ऑफ थर्ड चैप्टर। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक वायरस बाहर घूम रहा होता है वो नॉन लिविंग होता है, बट जैसे ही वो एक हमारी ह्यूमन बॉडी की सेल में एंटर करेगा, उसको अपना जेनेटिक मटेरियल देना शुरू करेगा, तब वो धीरे धीरे वायरल बन जाएगा हमारे अंदर, अपना जो इम्यून सिस्टम है हमारा उसको कन्फ्यूज करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, इम्यूनिटी जो हमारी है उसको दिक्कत करने की कोशिश करेगा, यानी कि वो विदाउट होस्ट सेल की जो बॉडी के बिना रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उसको होस्ट की बॉडी चाहिए। तो इसलिए जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, हमारे डीएनए पे अटैक करेगा, तब जाके वो लिविंग होता है। तो हम कह सकते हैं कि ना वो पूरी तरीके से नॉन लिविंग है, ना ही वो पूरी तरीके से लिविंग है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।